morning. What we have seen in our last class, we have discussed in our last class about flying of animals. Okay, how birds fly. Birds जो है वो कैसे fly करते हैं, इसके बारे में हम अपनी last class में पहले discuss कर चुके हैं. Okay, so birds क्या करते हैं, जब वो tree पे होते हैं तो जल्दी जल्दी से अपने उनके जो विंग्स होते हैं उनको जल्दी जल्दी से ऊपर नीचे करते हैं. ठीक है, थोड़ा मतलब उतना पूरा उनको ओपन नहीं करते, पूरा अपने विंग्स को स्प्रेड नहीं करते. ठीक है, फिर जैसे ही वो उड़ने लग जाते हैं, ओके, तो अपने विंग्स को पूरा अच्छे से क्या कर लेते हैं, स्प्रेड कर लेते हैं. ओके, एंड अपने फिट का वो यूज करते हैं एज ए ब्रेक. So, our today's topic is beaks of birds. Now, we are going to discuss about beaks of birds. Okay? So, the mouths of birds are called beaks. In birds ka jo mouth hota hai, us mouth ko apan kya kahenge? Beaks. Okay? So, a beak is a hard, horny structure on the bird's face with no teeth. Beak jo hai, wo ek hard एंड हॉर्नी स्ट्रक्चर होती है ऑन द बर्ड फेस, बर्ड के फेस पे, विद नो टीथ और जिसमें कोई भी टीथ नहीं होते हैं. ओके, देयर बीक्स हेल्प देम टू ईट. और उनकी जो बीक है वो क्या करती है, बीक जो है वो हेल्प करती है, हेल्प देम टू ईट. ठीक है, उनको हेल्प करती है, सो टू ईट. ठीक है, तो जब उन, अब आपको पता है कि माउथ है, उनकी जो बीक है एज ए माउथ, उनकी माउथ को ही अपन क्या कहेंगे, बीक कहेंगे. इट मीन्स दैट ऑब्वियसली वो जब भी उसको फूड ईट करना होगा तो किससे करेंगे, बीक से करेंगे. डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बीक्स, और डिफरेंट टाइप के जो बर्ड्स हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ बीक्स उनमें होती है. ठीक है, देन देयर बीक्स आर अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ फूड दे ईट. ओके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स, ओके, डिफरेंट टाइप के जो भी बर्ड्स हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट बीक्स होती है. ठीक है, तो उनकी जो बीक है वो क्या करती है, जिस तरह का जैसा वो फूड लेते हैं उस तरह से उनमें क्या होती है, अडेप्टेड होती है. ओके, बिकॉज एज वी नो दैट कुछ एनिमल, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं वो किस तरह का फूड लेते हैं, कुछ बर्ड्स किस तरह का फूड लेते हैं. ओके, तो उनकी बीक जो है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट होती है. बीक्स आर ऑल्सो यूज फॉर प्रोटेक्शन इज बर्ड्स अटैक देयर एनिमीज विद देयर बीक्स. ओके, बीक्स जो है, इन बर्ड्स की जो बीक है वो उनकी हेल्प करती है इनके एनिमीज से प्रोटेक्ट करने में भी. ओके, इनके जो एनिमीज होते हैं, ओके, तो इन एनिमीज से प्रोटेक्ट करते हैं, जब इनके एनिमीज इन पे अटैक करते हैं तो ये अपनी बीक से उनको मार के और खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, उनको सीड ईटिंग बर्ड सच एज स्पैरो. ओके, सो फर्स्ट वी हैव ए सीड ईटिंग बर्ड्स, ऐसे बर्ड जो क्या करते हैं, सीड को ईट करते हैं, सीड लाइक ग्रेन्स. ओके, तो सीड ईटिंग जो बर्ड्स हैं वो कौन से हो गए अपने, स्पैरो, पीजियन, मेना हैव शॉर्ट स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स. तो इस टाइप के जो बर्ड्स होते हैं जिनकी जो सीड को ईट करते हैं, तो सीड को ईट करने वाले जो भी बर्ड्स हैं उनकी बीक कैसी होती है, शॉर्ट स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स. उनकी बीक कैसी होती है, शॉर्ट स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड. बिकॉज ये शीट को ईट करते हैं तो शीट को उससे ये इजीली ईट कर सकते हैं. सो एज यू कैन सी हियर दिस इज द बीक ऑफ पिजियन. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, एज यू कैन सी हियर, बीक ऑफ ईगल. ओके, सो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल, वल्चर एंड हॉक हैव स्ट्रॉन्ग हुक्ड एंड शार्प बीक्स. जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैं लाइक ईगल, वल्चर एंड हॉक, फ्लैश ईटिंग बर्ड जितने भी है, इट मीन्स दूसरे एनिमल्स को जो ईट करने वाले बर्ड्स हैं लाइक ईगल, वल्चर, हॉक, हैव स्ट्रॉन्ग हुक्ड एंड शार्प बीक्स. उनकी बीक कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है. ओके, एज यू कैन सी हियर दिस इज स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड. यहाँ इस तरफ आप ये जो देख पा रहे हो, इस तरफ ये क्या है, फॉल्ट की हुई है, तो ये जो फॉल्ट की हुई है उसको आप क्या कहोगे, हुक्ड एंड शार्प बीक्स.
ओके एज यू कैन सी हियर इनकी जो बीक है वो क्या है, शार्प है. देयर बीक्स हेल्प देम टू टियर द फ्लैश. और इनकी जो बीक है वो क्या करती है, इनकी हेल्प करती है सो दे कैन टियर द फ्लैश. नेक्स्ट वी हैव इज ए पैरट हैज स्ट्रॉन्ग कर्व्ड बीक. पैरट जो है इसकी बीक ऐसी होती है स्ट्रॉन्ग एंड कर्व्ड एज यू कैन सी हियर. ओके जब आप इधर देखोगे तो इनकी जो बीक है वो कैसे है, हल्की सी कर्व्ड है, ठीक है, इस तरह से घूमी हुई है. इसको आप क्या कहोगे, कर्व्ड बीक. इट हेल्प्स हिम टू क्रैक नट्स एंड हार्ड फ्रूट्स. और ये क्या करते हैं, इनकी हेल्प करती है टू क्रैक नट्स एंड हार्ड फ्रूट्स. ओके सो दैट ये इजीली जो भी जो नट्स हैं उनको इजीली क्रैक कर सके. ओके जो भी हार्ड फ्रूट्स होते हैं उनको इजीली क्या कर सके, क्रैक कर सके. ओके नाउ नेक्स्ट वी हैव इज बर्ड्स लाइक डक एंड गूस हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बीक. जो भी बर्ड्स हैं लाइक डक एंड गूस, इनकी जो बीक है वो कैसी होती है, ब्रॉड एंड फ्लैट बीक होती है. ब्रॉड एंड फ्लैट बीक होती है. दिस हेल्प्स देम टू डिग इन द मड एंड फाइंड वॉर्म्स. जो क्या करता है, इनकी हेल्प करता है टू डिग इन द मड. जब ये मड में होते हैं तो इन ये क्या करते हैं, उसको इजीली डिग कर सकते हैं. ओके एंड फाइंड वॉर्म्स. और ये इजीली वॉर्म्स को फाइंड कर सकते हैं जो कि इनका फूड होता है. ओके नाउ एज यू कैन सी हियर दिस इज द बीक ऑफ डक. नेक्स्ट वी हैव वी ए वुड पिकर हैज लॉन्ग शार्प एंड स्ट्रॉन्ग बीक. जो वुड पिकर है उसकी बीक कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग. ओके फर्स्ट वी हैव इज एज यू कैन सी हियर लॉन्ग. उसकी लेंथ आप देख सकते हो. अब तक जो भी बर्ड अपन ने देखा उनकी बीक कैसी थी, शॉर्ट थी. बट ए वुड पिकर हैव लॉन्ग शार्प एंड शार्प एंड स्ट्रॉन्ग बीक. और क्या होती है, इनकी स्ट्रॉन्ग बीक होती है. सच ए बीक इज सुटेबल टू मेक हॉल इन ट्री ट्रंक. तो इस तरह की इसकी ये जो बीक बनी हुई होती है ये क्यों होती है, सो दैट they can easily make hole in the tree trunk. क्योंकि woodpecker करता क्या है, ये tree का जो trunk होता है उसमें hole बनाने का work करता है and catching insect और उसमें से insect को निकाल के उनको eat करता है. so this is the beak of woodpecker. okay now next we have is birds like crane. this is crane and herons have लॉन्ग एंड नैरो बीक्स. जो क्रेंच एंड हीरोन्स हैं उनकी बीक कैसी होती है, लॉन्ग एंड नैरो बीक्स विच हेल्प देम टू कैच फिश. जो क्या करता है, इनकी हेल्प करता है फिश को कैच करने में. ओके तो मोस्टली एज आई टोल्ड यू इनका जो फूड होता है, जिस तरह से ये फूड लेते हैं, जैसे ये फूड खाते हैं, उनके अकॉर्डिंग इनकी जो बीक होती है उसकी शेप एंड साइज होती है. सो दिस इज बीक ऑफ क्रैन. तो क्रैन की बीक जो आप देख सकते हो इजीली, इसको समझ सकते हो, ठीक है. तो इनकी ये जो इस तरह से ये जो इतनी लॉन्ग इसकी बीक है वो क्यों होती है, सो दैट ये इजीली फिश को निकाल सके. ओके एंड दिस इज द बीक ऑफ हमिंग बर्ड. ओके सो ए हमिंग बर्ड हैज लॉन्ग स्लीम एंड पॉइंटेड बीक. हमिंग बर्ड जो है वो क्या होता है, उनकी जो बीक है वो कैसी होती है, लॉन्ग स्लीम एंड पॉइंटेड बीक होती है. सच बीक्स हेल्प दैट टू शक नेक्टर ऑफ फ्लावर. तो इनकी ये जो बीक होती है इस टाइप से लॉन्ग स्लीम. ओके स्लीम भी है इनकी बीक. तो ये जो लॉन्ग एंड स्लीम बीक होती है ये क्यों होती है, सो दैट दे कैन शक द शक नेक्टर ऑफ फ्लावर्स. ओके ताकि ये फ्लावर्स का जो नेक्टर है उसको ईजीली शक कर सके. सो दिस इज द बीक ऑफ हमिंग बर्ड. Okay, now I hope you understand. Enough for today and our further chapter we will discuss in our next class. So, thank you.